हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पर आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। जैसा कि पिछले 2 दिन से यूसीएल में कुछ समस्या चल रही है, वह समस्या सभी को है, मुझे भी आ रही है। और उस समस्या के चलते मैं आपको लॉगिन करके एक बार फिर से देखता हूँ। जैसे कि आज देख रहे हैं 21 फरवरी 2022 है, आज 5 बज रहे हैं। मैं इसे लॉगिन करके देखता हूँ, लॉगिन होता है नहीं होता है, और क्या समस्या, जो समस्या आपको आ रही है वही समस्या मुझे भी आ रही है, देखते हैं। ये देखिए, मेरे सामने इन्फॉर्मेशन खुल चुकी है, और जब से इसमें ये न्यू ऑप्शन ऐड हुआ है तब से, शायद एक दिन चला था, मैं बाहर था कुछ समस्या से, फैमिली प्रॉब्लम चल रही है, तो 2 दिन से मैं इसे चालू करने की कोशिश कर रहा हूँ, ओपन नहीं हो रहा है। तो सोचा मैं आपको ये अपडेट दे दूँ कि मुझे भी लगातार यही समस्या आ रही है। कुछ कुछ सोचते हैं कि उसका चल रहा है, उसका चल रहा है, कुछ लोग तो बताते हैं कि सभी के साथ प्रॉब्लम आती है अगर यूसीएल का वर्जन अगर अपडेट होता है, या उसमें बैक ऑफिस में, मतलब उसके बैक में, या कोई काम चलता है यूसीएल के, तो वो सभी का लगभग बंद हो जाता है। देखिए, मैं सिंक पर क्लिक करता हूँ। सिंक पर क्लिक करने के बाद मेरी इन्फॉर्मेशन आपके सामने खुल चुकी है। मैं ओके पर बटन दबाता हूँ। ओके होने के बाद ओटीपी तो लगभग सभी के पास आ रहा है, मेरे पास भी आ चुका है ओटीपी। मैं ओटीपी इसमें मेरे फोन पे ओटीपी डाल देता हूँ। ओटीपी मेरे पास आ चुका है, इसमें मैं ओटीपी एंटर करता हूँ। ओटीपी एंटर करने के बाद मेरे पास मंत्रा की आईरिस है, मैं आईरिस को अपनी स्कैन करता हूँ। देखिए, आईरिस मेरी स्कैन हो चुकी है, और मैं ओके पर क्लिक करता हूँ। जैसे ही ओके पर क्लिक करते हैं तो वेरीफायर ये होती है। अब देखते हैं, अगर ये सक्सेस हो जाती है तो मेरा यूसीएल लॉगिन हो जाएगा, और ये एरर देता है तो क्या एरर देता है, वो भी एरर सभी को आ रहा है क्या, या केवल मुझे ही एरर आ रहा है? कुछ लोग कह रहे हैं कि बंद हो गया है, या फिर कुछ ब्लैंक लिस्ट हो गए हैं। इसका भी कंफर्म नहीं पता चलेगा जब तक सर्वर का पूर्ण रूप से पता नहीं चल जाता है। तो आप देखिए, वेरीफाइंग ऑपरेटर बायोमेट्रिक एंड ओटीपी प्लीज वेट, ये आपके सामने आ रहा है। और लगभग इसमें काफ़ी समस्याएं काफ़ी समय से चल रही हैं। पीछे भी एक बार लगभग 2-3 दिन के लिए बंद हो गया था। जब भी सॉफ्टवेयर का कोई अपडेशन या वर्जन अपडेट होता है तो उसमें कुछ ना कुछ कमी रह जाती है, या फिर ये बैक ऑफिस पर वर्क करते हैं, पीछे वर्क करते हैं, तो ये शायद सभी का बंद कर देते हैं। बैंक वालों का जो कार्य होता है वो ऑफलाइन वर्क करते हैं, इसलिए उनका लगातार चलता है, और बात को वो पैकेट अपलोड कर देते हैं। यूसीएल में जो है पैकेट अपलोड करने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि ये ऑनलाइन वर्क होता है, और ऑनलाइन वर्क होने के बाद ये ऑटोमेटिक ही अपडेट हो जाता है। कभी कभी देखने को आता है कि 1 घंटे में ही प्रोसेस में चला जाता है, और कभी कभी होल्ड हो जाता है, होल्ड होने के बाद 2-3 दिन बाद वो प्रोसेस में हो जाता है। कभी किसी किसी केस में देखा है कि जो आधार होल्ड पड़े थे वो ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाते हैं। अगर आप हिस्ट्री में अपनी चेक करेंगे या रिपोर्ट में आप देखेंगे तो वो कस्टमर वो इनरोलमेंट आपको होल्ड दिखाएगा, बट कंप्यूटर बस कस्टमर उसे डाउनलोड करा चुका होता है, वो पता नहीं चलता है कब अपडेट हो जाता है। तो ये देखिए, काफ़ी देर हो गया इसमें, और ये बराबर से बना हुआ है। मैं क्या करता हूँ कि मैं इसे Alt F4 से काट देता हूँ। ये देखिए, ओ टी पी वाइल वेरीफाइंग एरर, ये सभी का एरर यही आ रहा है लगभग, और ये लगभग 2-3 दिन से बना हुआ है। तो मैं यही दिखाना चाह रहा था। आशा करता हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। मेरे चैनल पर बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।